देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। शिवराज के मंत्री की फिसली जुबान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम, एमपी के सीएम और योगी आदित्यनाथ को बताया देश के लिए कलंक। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट की जुबान प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिसल गई। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का क्या करना है। दरअसल मंत्री तुलसी सिलावट पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में सवाल कर दिया। मंत्री तुलसी सिलावट यहीं नहीं रुके, उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर को समाज के लिए प्रेरक बताया। माना जा रहा है कि मंत्री जी की जुबान फिसली है और उसी के चलते उन्होंने ये बयान दिया है। मंत्री के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो काफ़ी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट इंदौर से बीजेपी सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। मंत्री सिलावट ने अपने सरकार के मुख्यमंत्री को ही कलंक बता दिया। वहीं गैंगस्टर विकास दुबे को जी कहकर भी संबोधित किया। हालांकि तुलसी सिलावट ने जब ये मामला मीडिया में सामने आया तो अब इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि इस वीडियो को एडिट किया गया है और उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बयान में शब्दों के आगे पीछे होने के कारण कांग्रेस ने साजिश के तहत इसे वायरल किया। इसमें एडिटिंग कर वही हिस्सा जानबूझकर वायरल किया गया जबकि मैंने दुबे के लिए कलंक शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और हमारे दोनों मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं, सम्माननीय हैं और मेरे नेता हैं, उनका सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। विकास दुबे जो कि बहुत बड़ा गुंडा था, ये समाज के लिए एक कलंक है और इस अपराधी के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई थी, मैंने देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था। सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा गलत तरीके से मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करूंगा।